जब सिंगिंग ही करनी थी तो 4 साल IIT में क्यों वेस्ट किया? Despite being a singer, people still know you because of IITian tag. This tells a lot about your singing. Coming out unemployed from IIT Delhi isn't everyone's cup of tea. What an achievement. Okay, I'll tell you a joke. Your music career. तुम लोगों ने मुझे ट्रोल किया, मैंने दिल पे बिल्कुल नहीं लिया, तो अब जो मैं अभी रिप्लाई करने वाला हूँ उसको दिल पे मत लेना, क्योंकि शायद कुछ चीज़ें तुम्हें ऑफेंड कर सकती हैं। मेरे हेयर स्टाइल से लेके, मेरे IIT टैग से लेके, मेरे कॉलेज डिग्री से लेके, मेरे लुक्स से लेके, हर चीज़ को तुमने इतने तरीके से धज्जियाँ उड़ा दी ना कि मैं बता नहीं सकता, लाइक ऑलमोस्ट रो दिया था मैंने। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हेट कमेंट्स नहीं किया, जिन्होंने ट्रोल नहीं किया, बाकी लोग ऐसा मतलब तुमको एक मौका क्या दे दिया तुमने तो मतलब। चलो ठीक है, शुरू करते हैं अब। 927 कमेंट्स एंड द फर्स्ट कमेंट इज साइबर टेक कहते हैं, दिस इज अ रोस्ट फॉर यू, एम्प्टी लाइक योर करियर आफ्टर IIT। आई थिंक इट्स मच लाइक द बैंक स्टेटमेंट ऑफ मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आफ्टर IIT। टू एवरीवन सेइंग ही इज जॉबलेस इवन आफ्टर IIT, लेट मी टेल यू दैट हिज म्यूजिक चैनल इज हैविंग सब्सक्राइबर्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिज IIT। पहले तो हिज IIT मतलब क्या, मेरा IIT है, पूरा कॉलेज ही मेरा हिज IIT। आई रियली डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दिस। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। इसको तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्किल बोलते हैं। जब मैं कॉलेज 3rd year में था तो कुछ सीनियर्स आए थे, उनकी कोई कंपनी थी, उन्होंने बोला था मुझे ज्वाइन करने के लिए, एंड उन्होंने ये बोला था कि हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीम में IIT के रहे, ताकि अगर हम IIT वाले टीम में रहेगी ना कंपनी में तो इन्वेस्टर से पैसा लेना इजी होता है। दैट्स द पावर ऑफ IIT एंड टैग। तो अगर इस टैग के बदौलत मुझे चीजें जिंदगी में मिल रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आफ्टर ऑल मैंने ऐसा तो नहीं कि इसको ऐसे किसी से छीन लिया हो, या फिर ऐसे रास्ते चलते मुझे मिल गया था, या फिर नेपोटिज्म के थ्रू मुझे मिला है। प्लीज अगर तुम IIT में आओ ना तो प्लीज अपने IIT टैग का यूज करना। नंबर वन, तुमने बहुत मेहनत करके उस टैग को पाया होगा, सबको नहीं मिलता। एंड नंबर टू, बहुत फायदा होता है, इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं मैं, एंड तुमको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। कल को अगर मैं लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा तो एक काम करता हूँ, मैं उसको घर पे ही रखूंगा। Everybody knows that Nova is earning more than that of he would be earning by getting a job from IIT Delhi by pursuing his passion. Tejas Shrest ने इसका reply किया, oh shut up. यार आई डोंट नो अबाउट इफ आई एम अर्निंग मोर देन उतना जितना मुझे IIT Delhi वाले जॉब से मिलता, बट आई डू नो जितने पैसे मैंने पिछले मंथ कमाए थे उतने पैसों में मैं अपने बैच के एटलीस्ट 3 लोगों को जॉब दे सकता हूँ। कुतियापा करना था तो सीट क्यों वेस्ट किया, कोई और होता तो जॉब कर रहा होता। हाँ यार, कोई और होता तो जॉब कर रहा होता, सही बात है। मीडिया स्टार्टअप चलाना तो छोटी मोटी चीज़ होती है, बच्चे चला देते हैं। यूट्यूब पे लोगों को गाइड करना, अकेडमी पे जाके लोगों को फ्री सेशंस देना, ये सब तो फालतू चीज़ें होती है। कितना अच्छा 9 to 5 जॉब कर रहा होता, बॉस मुझे जो बोलता वो मैं सुनता, मेरी कोई बात मानी जाती नहीं जाती, क्या फ़र्क पड़ता है। नो मैटर कि आपका लाइफ में विजन कितना ही बड़ा हो, नो मैटर कि आप कितनी ही ऊंचाइयों तक जाना चाहते हो, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हो अलग अलग तरीके से, लेकिन अगर 9 to 5 जॉब नहीं की तो भाई मुझे रिग्रेट हो रहा है, मुझे रिग्रेट हो रहा है क्यों नहीं किया मैंने 9 to 5 जॉब। तुम करना एंड मुझे बताना कि हाउ इज इट गोइंग। ओके, आई विल वेट फॉर द आंसर। नोवा भाई, देर इज अ वैकेंसी इन माई ऑफिस, इफ यू वॉन्ट आई कैन रिफर यू टू गेट अ जॉब। कुणाल प्लीज प्लीज हेल्प मी गेट अ जॉब ब्रो, लाइक इस लाइफ से मैं तंग आ गया हूँ यार। इतनी फ्रीडम मिल रही है ना यार, जब मन तब मैं काम कर सकता हूँ, एक टीम को मैं लीड करता हूँ जो कि बहुत सपोर्टिव है, ऐसे मेंटर्स ऐसे लोगों से सराउंडेड हूँ, इतने अच्छे रूम में अभी बैठा हूँ एंड अकेले इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। ये सारी चीज़ें ना बहुत प्रॉब्लम कर रही है मेरी ज़िंदगी में। मैं चाहता हूँ कि एक बॉस हो जो कि मुझे लीड करे, जो कि हमेशा मेरी लेते रहे कि यार ये काम कर, ये क्यों नहीं हुआ। तो प्लीज़ यार मुझे जॉब दिला दो यार, प्लीज़ 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 यार जॉब दिला दो यार, बहुत हो गया यार। सीरियसली गाइज, आई हैव हर्ड नोवा सॉन्ग्स एंड दे साउंड सो प्लीजेंट ऑन म्यूट। रोशन थैंक यू सो मच, तुम म्यूट में सुन रहे हो मेरा गाना, इवन तो तुम्हें पसंद नहीं आते हैं, तो तुमको पता होना चाहिए कि जब तुम म्यूट में उनको सुनते हो, अगर यूट्यूब पे सुन रहे हो तो व्यूज़ बढ़ता है, वॉच टाइम बढ़ता है, उससे पैसे आते हैं, यूट्यूब उसको और रिकमेंड करता है। उनको थोड़ी पता स्पॉटिफाई यूट्यूब वालों को कि तुम म्यूट करके सुन रहे हो, तो थैंक यू सो मच ब्रो। तुम मेरे गाने को नहीं सुन के भी मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरे गाने को इतना रीच बढ़ा रहे हो, लव यू टू। किंग कॉन्ग, डिस्पाइट बींग अ सिंगर पीपल स्टिल नो यू बिकॉज ऑफ IIT एंड टैग। तो तुम इन सारे यूट्यूबर्स को भी जानते होंगे क्योंकि इनके पास भी IIT एंड टैग है, ये भी मेरी तरह वीडियोज बनाते हैं। प्लीज इन्हें भी जानिए, इन्हें भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली ऑल दैट मैटर्स फॉर यू इज द IIT एंड टैग, नॉट द कॉन्टेंट, नॉट द पर्सन, कुछ तो मैटर ही नहीं करता, जस्ट द टैग, राइट। सोल मेट्स, आपके ब्रेन को मार्केट में सेल करोगे ना तो बहुत अच्छा मनी मिलेगा, बिकॉज इट इज अनयूज्ड। तो बेसिकली मेरा ब्रेन अनयूज्ड ब्रेन है, सही बात है। 12th बोर्ड में 96% JEE एडवांस क्लियर करना, JEE मेंस क्लियर करना, कॉलेज में डिसेंट CGPA मेंटेन करना, ये सब तो मतलब ब्रेन से थोड़ी किडनी से किया था मैं। यहाँ देखो, यहाँ 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 जो किडनी है ना,
यहाँ से कर रहा था ब्रेन से, मैं क्या है ही नहीं मेरे पास, मैं थोड़ी यूज़ करता हूँ, इसलिए तो बिग ब्रेन को बनाया, समझ रहे हो ना, खुद के पास ब्रेन ही नहीं है तो ऑब्वियसली शो ऑफ करने के लिए बिग ब्रेन। नोवा इज सच अ गुड पर्सन बाय हार्ट, इवन आफ्टर बीइंग एन आईआईटी ही डिडंट मेक टेक एनी जॉब, चोज टू सिट आइडल विथ हिज ग्रुप नेम्ड बिग ब्रेन। मैं अपने बिग ब्रेन की टीम मेंबर्स के साथ खाली इसलिए बैठता हूँ ताकि जितना ज़्यादा तुम बाहर मूव करोगे, लाइक ट्रैवल करके आओगे ऑफिस, तो पॉल्यूशन होगा बाहर, उससे पॉल्यूशन होता है, उससे ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, चांद के सरफेस पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम होकर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, मार्स पे एलियंस का अटैक हो सकता है, कभी भी न्यूक्लियर वेपन इंडिया पे गिर सकता है, तो इसीलिए मैंने जॉब ज्वाइन नहीं की। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। बिफोर आई रोस्ट अन अकेडमी ऑलवेज कम अप विद समथिंग रियली ग्रेट, पीयूष मौर्य। ओके गाइस, अन अकेडमी हैज कम अप विद समथिंग रियली ग्रेट। अन अकेडमी प्रोडिजी एक ऑल इंडिया लेवल का स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि 13 फरवरी को होने वाला है। इसमें तुम देख सकते हो तुम इस देश में कहाँ स्टैंड करते हो, तुम्हारा प्रिपरेशन किस लेवल का है। बेस्ट चीज ये है कि तुमको 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रैंक, मतलब कि तुमको कॉलेज में पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन लेने की भी जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा तुम्हारे रैंक के बेसिस पे तुमको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे प्राइजेस मिलते हैं, और साथ में जो एक बहुत ही अच्छा, लाइक इससे अच्छा चीज उन्होंने पहले कभी लॉन्च नहीं किया था, वो है UA Lite। ये एक टेस्ट सीरीज है मेंस एंड एडवांस सबके लिए, 2022 वाले बच्चों के लिए भी, 2023 वाले बच्चों के लिए भी। जैसे ही सब्सक्राइब करते हो उसको तुमको डिटेल्स मिल जाएंगे। ऑब्वियसली इसके लिए तुमको अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर तुम प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्राइबर्स नहीं भी हो तो इसका तुम सब्सक्रिप्शन लेके सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के अगर तुम अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो यानी कि 23 फरवरी से पहले, तो क्योंकि तुम बहुत पहले ले रहे हो तो उसमें भी तुमको बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है जो कि तुम्हारे स्क्रीन पर तुमको दिख रहा होगा। इसके साथ साथ इनका एक डेली प्रैक्टिस टेस्ट है जो कि हर शाम को 7 बजे मंडे से थर्सडे होता है। प्लीज इसमें भी पार्टिसिपेट करके अपने एबिलिटीज को चेक करो और अपने आप को इंप्रूव करो। इसके साथ साथ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे भी बहुत सारे डिस्काउंट चल रहे हैं आज तक ही, 9th ऑफ फरवरी के लिए ही। तो अगर तुमको सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे थे तो यही राइट टाइम है, आज ही राइट टाइम है। अब इनमें से किसी भी चीज को अवेल करने के लिए जस्ट हैव टू यूज माय कोड नोवा फैम, क्योंकि इस कोड को यूज करने से तुमको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट मिलता है एंड और भी बहुत सारे फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं। आफ्टर वॉचिंग नोवाज वीडियोस इट फील्स लाइक कोटा, यू फील लाइक टेकिंग योर लाइफ। डैम, मेरा प्लान तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन शायद मेरा प्लान काम नहीं किया, तभी तुम अब तक जिंदा हो। क्यों यार, बोला था गंदी एडिटिंग करने के लिए इनको, क्यों नहीं गंदे से करते हैं यार। नोवा इज अ प्राइम एग्जांपल दैट डिग्री इन अ गुड कॉलेज डजंट मीन गुड लाइफ। या इट डजंट, जो चीज़ मैं अचीव करना चाहता हूँ वहाँ से मैं बहुत नीचे हूँ एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। ओके, आई टेल यू अ जोक, योर म्यूजिक करियर, दिस इज अ फनी वन, बट मेरा म्यूजिक करियर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता यार। मैंने स्टार्ट कहाँ किया, अभी 4 गाने रिलीज किए मैंने, 4 ओरिजिनल गाने। जो सिंगर्स होते हैं जो जिनको तुम जानते हो, तुम्हें पता है उन्होंने कितने सारे गाने रिलीज कर रखे हैं, इवन इंडिपेंडेंट सिंगर्स भी बहुत सारे रिलीज करते हैं यार। वो नेक्स्ट 4 गाने का वेट करो, थोड़ा लेट हूँ, थोड़ा स्लो हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, बिग ब्रेन व्लॉग्स, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, अभी मेरा म्यूजिक करियर शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तक तो मैं सीख रहा था, अभी भी सीख रहा हूँ, ठीक है। वेट करो अगले आने के लिए, 13 नशा इज द नेक्स्ट सॉन्ग। लाइफ इजंट जस्ट अबाउट लर्निंग फ्रॉम पीपल हु हैव अचीव्ड सक्सेस, You can also learn a lot from failures. Eclipse Nova, you are my life's biggest teacher. अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करना ये फेल करना है, 2 चैनल with 100K subscribers होना फेल करना है, खुद के पैसों से कॉलेज की पूरा पढ़ाई करना फेल करना है। गाइज, आई थिंक मैं अपने चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चे फेल करें, 2 से ज़्यादा होंगे नहीं, बट दोनों के दोनों बच्चे फेल करें ज़िंदगी भर। जब सिंगिंग ही करनी थी तो 4 साल IIT में क्यों वेस्ट किया, वेरी इंटेलिजेंट। मैंने IIT में वेस्ट किया अपना टाइम, समझ रहे हो तुम, IIT में टाइम वेस्ट किया, तुम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, YouTube पे, डिफरेंस देख रहे हो, YouTube जो कि ऐसे फ़ोन ऐसे खरीदो अपने आप इंस्टॉल रहता है, IIT 3 साल मेहनत करके आप वहाँ पहुँचते हो, तो लेवल देख लो भाई तुम, 4 साल वेस्ट करने के लिए, बाप रे बाप। Nova is so innocent that he actually fell down 100 times before writing तू रुके ना चाहे गिरे 100 दफा। श्रेयस, दिस इज एक्चुअली फनी, आई अप्रिशिएट योर क्रिएटिविटी। सो इट्स अ सॉन्ग जो कि मैंने ITJEE एस्पिरेंट्स के लिए बनाया था जब मैं 3rd ईयर में था, 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज है, प्लीज चेक इट आउट, विल मोटिवेट यू फॉर श्योर, इसकी गारंटी मेरी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक करना। रोज के नाम पे लोग गैंग बैंग कर रहे हैं, ब्लैक क्रैकी, दिस इज वेरी ऑफेंसिव। सच परफेक्टली नोवा इज शोइंग एवरी वन हाउ टू एक्सेल इन एवरी फील्ड एंड गो इन टू द शिटियस्ट वंस अमंग देम। ओके,
राहुल एम कमिंग आउट अनएम्प्लॉयड फ्रॉम आईटी दिल्ली इजंट एवरीवन्स कप ऑफ टी व्हाट एन अचीवमेंट या इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी बिकॉज ओनली दोज हु स्टार्ट देयर ओन बिजनेस और हु आर टैलेंटेड इनफ टू डू देयर ओन थिंग ओनली दोज कैन अफोर्ड दैट क्योंकि उनको एम्प्लॉय नहीं बनना होता उनको खुद से कुछ खड़ा करना होता है तो यार सबके लिए तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं राहुल बिल्कुल सही कह रहे हो आई थिंक यू आर अ वेरी स्मार्ट गाय व्हाई डज नोवा थिंक दैट पीपल वुड लिसन टू हिज सॉन्ग्स व्हेन दे लिटरली हैव रफ्तार बिकॉज रफ्तार कारमा एंड अदर टॉप नॉच सिंगर्स इन द सीन वर ऑल्सो एट इक्लिप्स नोवा level when they started Nova after having a kid dark side of having a kid Mayank Bhati iPhone kyun chamka rahe ho एक काम करता मैं तो मैंने एक चश्मा खरीद के सेंड कर देता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फ्यूचर में ये करना चाहिए कि जब मैं कभी अच्छी कार खरीदूंगा फरारी तो उसको अंदर ही रखूंगा कभी ऐसा हो कि मैं किसी बड़े सेलिब्रिटी से मिलूं तो उसके साथ पिक्चर भी क्लिक नहीं करूंगा कि उसको पोस्ट कर देता लगेगा कि दिखा रहा है कि देखो मैं इतने बड़े बड़े लोगों से मिलता हूं। कभी मैं अच्छे होटल रूम में रुका तो उसका भी व्लॉग तो मुझे बनाना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो भी शो ऑफ ही लगेगा क्या करें यार एक काम करते हैं संन्यास लेके हिमालय चले जाते हैं जिंदगी सॉर्टेड मतलब ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया शिट यार जोक्स अपार्ट मैंने ये आईफोन सिर्फ और सिर्फ इसलिए खरीदा था ताकि मैं व्लॉग कर सकूं इसके कारण ही मैं बहुत ऐसे लोकेशंस पे व्लॉग कर पाता हूं जहां पे मैं नॉर्मल डेज में कैमरा से कभी नहीं कर पाऊं क्योंकि वो अलाउ नहीं करते रिलेटिव्स बी लाइक बेटा आईआईटी की है जॉब कहाँ लगी है क्या लगी है नोवा आई एम वर्किंग ऑन माई ओन स्टार्टअप एंड सिंग सॉन्ग्स एंड एल्बम्स रिलेटिव्स वो सब तो ठीक है बट कमाने के लिए क्या करते हो गाइज मैं अभी घर जाने वाला हूँ कल एंड आई एम डैम श्योर कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस होने वाला है तुम बताओ कि मुझे उन्हें क्या आंसर करना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ कैसे पैसे कमाता हूँ कितने पैसे कमाता हूँ कि आप मीडिया स्टार्टअप करते हो या फिर आप कॉन्टेंट क्रिएशन करते हो गाने बनाते हो बिहार के एक छोटे से शहर में ये एक्सप्लेन करना बहुत टफ है शोभित पांडे मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं अपना टाइम तुम जैसों को रोस्ट करने में लगाऊं लेकिन तुम जैसों के फालतू पोस्ट पे मैं कमेंट करके बकवास जरूर करूंगा इतना टाइम है मेरे पास कि इतना लंबा कमेंट टाइम करूंगा किसी ने उस पर रिप्लाई किया है तो लिखने में टाइम कहां से आया बिल्कुल इंसेनली डिफेंस को फिर उन्होंने रिप्लाई भी किया शोभित अच्छा शोभित पास रिप्लाई का भी टाइम है जैसे तुम्हारे पास राजबीर विश्वास कुछ खाया पिया करो कैंडल स्टिक जैसे लगते हो ये कैंडल स्टिक अगर नीचे आ गया ना कभी जलते हुए तो पता ना क्या होगा अभी मुझे ट्रेन पकड़ना है जैसा मैंने पहले बोला बट थोड़ा नाच गाना तो होना चाहिए अकेले हैं तो क्या हो गया जनरली लोग रहते तो हम नाच गाना करते हैं तो दैट्स व्हाई वी विल डांस